बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे स्लीव्स का ये डिज़ाइन जो कि ट्रेंड में है। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के अलावा कुर्ती के दामन पर और ट्राउज़र के बॉटम पर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनता है। सबसे पहले हम सीधे फैब्रिक की ये 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट कर सीधा कर लेंगे। और सिलाई वाली साइड को हमने अंदर की जानिब रखते हुए प्रेस कर लेना है। ऐसे हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इनकी 3 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये हमने बराबर कट करनी है इस तरीके से। इस तरह बराबर कट करने से हमारा डिज़ाइन बराबर आएगा जी। हमारी तमाम पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम स्लीव लेंगे। ये सिलाई का मार्जिन रख के हमने मार्क किया है। मैं गहरा करके आपको दिखाती हूँ जी। अब हम इस मार्क से 1 इंच के गैप पर एक और मार्क कर लेंगे। ऐसे यहाँ तक हमने अपना डिज़ाइन रखना है। देखें, इसको अंदर की साइड रखना है और ऐसे रखकर सिलाई लगाना है। अब हम ये स्ट्रिप लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई का मार्जिन रख के ये ऊपर वाले मार्क से बराबर करते हुए ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इस स्ट्रिप के बराबर गैप छोड़ेंगे। अब ये दूसरी पट्टी रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक स्ट्रिप के बराबर गैप छोड़ेंगे। ऊपर से बराबर रखते जाना है, अगर एक्स्ट्रा हो तो नीचे की तरफ निकाल देना है। इसी तरीके से हमने तमाम पट्टियाँ स्लीव पर लगा लेनी है। जी हमारी ये तमाम पट्टियाँ लग चुकी हैं। देखें बिल्कुल बराबर हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। अब हम स्लीव को इस तरीके से रखेंगे। ये 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। और इसको इस तरीके से रखकर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकती हैं। अब हम इस फैब्रिक को नीचे की तरफ पलट लेंगे ऐसे करके और यहाँ पर आयरन कर लेंगे। जी हमने आयरन कर लिया है, इससे फिनिशिंग आ जाती है। और बैक साइड वाले फैब्रिक को भी हमने फोल्ड करके आयरन कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा लें, लेकिन हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। जी हमारी तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है। हम पर्ल बीड्स लगाएंगे। इसके लिए हम एक बड़ा पर्ल लेंगे, ये दो छोटे बीड्स हैं। बड़े वाले पर्ल को दरमियान में रखेंगे और दोनों छोटे वाले बीड्स ऊपर और नीचे लगाएंगे। इन बीड्स को मजबूत करके लगाएं। इसी तरीके से हम पूरी स्लीव पर पर्ल्स लगा लेंगे। जी तमाम बीड्स लग चुके हैं। आप इसी तरीके से दामन भी तैयार कर सकती हैं। ये डिज़ाइन दामन पर बना हुआ बहुत प्यारा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिलाई लगा कर दिखाते हैं। जी हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।